लड़की का विवाह 2010 में किया था भाई ने, उसके पश्चात उनकी तेज की मांगों को पूरा करते हैं। कोई माँ अपनी बेटी को ये संस्कार ना दे कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे। इतनी अच्छी हमारी प्यारी बेटी, उसको शरणार्थियों की तरह रखा गया ताकि वो वहां से भाग जाए। उस पर हर जुर्म करते रहे वो लोग। पूनम बंसल की दहेज की मांग कभी खत्म ही नहीं हुई उसके आज तक। साल भर पहले से हमने उसको देना बंद किया था, तब जाके लोग ने पूरा एक प्लान तरीके से, कोल्ड ब्लड मर्डर, पहले हनी ट्रैप किया गया, फिर उसको मारा गया। इसको पूरा परिवार इसमें शामिल है इसमें। और वहाँ की पुलिस, पलवल की पुलिस उल्टा हमारे हमसे कहती है सबूत दो, हमें रोज के बुलाती है आज आप लोग यहाँ पर आओ। फिर हम वहाँ जाते हैं तो पुलिस वहाँ मिलती नहीं है हमें। पूरी साठ गांठ है उनकी वहाँ से। हमारी बहुत निवेदन है, कोई हमारा सहारा नहीं दिखाई दे रहा है। पलवल में हमारी कोई कुछ भी नहीं सुन रहा है, इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। बहुत उम्मीद से रखी है हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमें न्याय चाहिए, हमें क्या आगे कैसे क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने अपनी बेटी खोई है, प्लस हमसे पूछा जा रहा है सबूत दो, सवाल जवाब हमसे किए जा रहे हैं, जबकि मर्डर करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। हमें सीबीआई इंक्वायरी बिठानी है, नार्को टेस्ट कराना है मुझे अपनी बेटी के लिए। मुझे न्याय की जरूरत है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे अपनी अंजलि वापस चाहिए। वो देश की बेटी है, देश की हर बेटी देश की बेटी है। मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए, मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए, हर कीमत पर चाहिए मुझे।